मेन एचओ इज एससीएल। एचओ कहाँ पे है ये? बैंगलोर में है। बेंगलोर। बैंगलोर में इनका मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस इज अ एससीएल बैंगलोर। अच्छा, इसमें भी एरो एरो का ऑप्शन है इसमें कि नहीं? हाँ है। सर फ्रंट साइज ठीक, थोड़ा बड़ा कर दीजिए ना। हाँ हाँ कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल ए। ठीक है इतना, और बड़ा? इज इट ओके? ओके, और थोड़ा सा बड़ा सर। सर जूम इन जूम आउट कर दीजिए, हो जाएगा उससे। ठीक है सर। ठीक है। एस सी एल बैंगलोर इज द मेन ऑफिस या मेन हेड ऑफिस। इट्स इन अ बैंगलोर लोकेटेड। दिस इज अ ओनली फॉर अ हेड ऑफिस। एंड एस सी एल हैव अ डिफरेंट 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 कंपनीज। दे आर मैन्युफैक्चरिंग अ डिफरेंट डिफरेंट आइटम। सपोज दिस वन, एस सी एल। सपोज एस सी एल इज अ मैन्युफैक्चरिंग। हियर इज अ लैपटॉप। देर इज अ एस सी एल हैव अ वन प्लांट। दे मैन्युफैक्चरिंग अ लैपटॉप। इट्स लोकेटेड इन अ मुंबई। ओके, एंड मोबाइल। सपोज मोबाइल। SCL have a one more operational activity, that is a mobile. They're creating a mobile and its location is a Pune. And SCL is one another activity, that is their desktop. That means SCL have a different three plants. Is one is in Mumbai. In Mumbai they are manufacturing a laptop. Another is a Pune. Pune is manufacturing a mobile. Another one is a Delhi. इट्स मैन्युफैक्चरिंग अ डेस्कटॉप। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, बट दे हैव अ वन एचओ, दैट इज इन बैंगलोर। बैंगलोर में इनका हेड ऑफिस है और डिफरेंट डिफरेंट इनके प्लांट्स हैं। अभी क्या होगा कि आप देखोगे कि यू कैन सी एस सी एल हैव इन लैपटॉप। इफ यू टेक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ दिस एस सी एल लैपटॉप हैव अ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। विच डिपार्टमेंट्स? लाइक अ एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट। ओके, आईटी डिपार्टमेंट, असेंबलिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, हाँ, पीआरओ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। डिपार्टमेंट, ठीक है, एमएम डिपार्टमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट। दैट मींस एससीएल लैपटॉप हैव अ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लाइक अ एडमिन डिपार्टमेंट्स, आईटी डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट। सेम इफ यू टॉक अबाउट अ मोबाइल, इन अ मोबाइल हैव अ डिफरेंट डिफरेंट सच काइंड ऑफ अ डिपार्टमेंट्स इज रिलेटेड टू इन अ पुणे ऑफिस। पुणे के भी अपने अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, पुणे वाले के भी जो मोबाइल बना रहे हैं। ठीक है, सेम लाइक दिस इनके अपने होंगे, जैसे इसके हैं वैसे डेस्कटॉप के भी होंगे। ये क्या होंगे? ऑल दिस डिपार्टमेंट इज रिलेटेड टू अ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। दिस डिपार्टमेंट इज ऑल एक्टिविटी आर रिलेटेड टू अ डेस्कटॉप दिल्ली ओनली। दिस आई टी डिपार्टमेंट इज रिलेटेड टू अ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ऑल एक्टिविटी। दिस इज इन अ दिल्ली ओनली, डेस्कटॉप और दिल्ली ओनली। असेंबलिंग, दिस असेंबलिंग डिपार्टमेंट इज ऑल एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर अ डेस्कटॉप दिल्ली। सेम लाइक दिस दिस क्वालिटी डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर अ मोबाइल पुणे। इनको मोबाइल पुणे से मतलब है, ठीक है, ये जो अपने अपने डिपार्टमेंट है इनको इनके अदर से कोई मतलब नहीं है, उनके अंदर से कोई मतलब होता भी नहीं। इनका जो एडमिन डिपार्टमेंट है, दिस एडमिन डिपार्टमेंट इज रिलेटेड टू एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सॉरी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ दिस ओनली, यानी लैपटॉप डिपार्ट। लैपटॉप में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, मुंबई ऑफिस से मतलब है, बाकी इनको
इसमें पुणे में व्हाट दे आर डूइंग इन अ पुणे, व्हाट दे आर डूइंग इन अ दिल्ली, देयर इज अ देयर वाज अ नॉट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस सेम आईटी डिपार्टमेंट. आईटी में क्या चल रहा है, व्हाट द गोइंग ऑन, व्हाट द सम काइंड ऑफ इशू, हाउ मच टिकट्स दे आर सॉल्व इन ऑफ दिस, व्हाट वुड योर कॉस्टिंग, बस बस हो गया. ठीक है, इनको क्या मतलब है, सीधे सिर्फ मतलब है क्या है, लैपटॉप से वाले मतलब है. अदर देन लैपटॉप, मुंबई और ये सॉरी पुणे और दिल्ली इज अ मोबाइल एंड डेस्कटॉप में क्या चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं है. ठीक है, इस तरीके से डिपार्टमेंट होते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट SCL, ठीक है, इनके भी कुछ लेबल होते हैं. ठीक है, देयर वाज अ वन लेबल जो टॉप एडमिन होते हैं, इनके ऊपर भी एक होते हैं जो SCL HO होता है. HO का क्या काम होता है, यहाँ पे भी कुछ डिपार्टमेंट होते हैं. जैसे सपोज कौन सा डिपार्टमेंट, कॉमन HR डिपार्टमेंट, ओके, कॉमन एडमिन डिपार्टमेंट, कॉमन IT डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, कुछ भी ले लो, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग ले लो, असेंबलिंग ले लो, या जो भी ले लो, मतलब कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो कॉमन होते हैं. इनका क्या काम होता है, व्हाट दे हैव अ वर्क, दे कमांडेड ऑल दीज थिंग्स, इनपे भी होते हैं, इनपे भी होते हैं, इनपे भी होते हैं, ये कॉमन होते हैं, इनके भी ये हैं, इनके भी ये हैं. कुछ ऐसे एडमिन डिपार्टमेंट भी होते हैं जो उन तीनों पे रखते हैं. इनका जो एडमिन डिपार्टमेंट होगा वो क्या रखेगा, ऑल एक्टिविटी इज रिलेटेड टू अ लैपटॉप ओनली, दिस एडमिन डिपार्टमेंट इज रिलेटेड टू ओनली मोबाइल ओनली, दिस एडमिन डिपार्टमेंट इज रिलेटेड टू अ डेस्कटॉप ओनली, बट दिस एडमिन डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो. समझ में आया कंपनी में कैसे हायरार्की होती है ये. हेलो हेलो सर, ठीक है, बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से आई थिंक एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. व्हाट अबाउट द राधा, राधा इज इट ओके फॉर यू, बिकॉज द सम टाइम वी नीड टू स्पीक इन हिंदी बिकॉज ऑल आर रिलेटेड टू अ हिंदी बैकग्राउंड, सो इज इट ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दिस. Whenever you are getting any kind of a troubling, just you can ask. Okay, you can ask. Please, sir, explain in English. Okay, I can explain. So meanwhile, what I want to tell you, this kind of a hierarchy label will be work in the SCL. Just I'm taking an example of this. उनके अंदर में तो बहुत सारे होते हैं. So many departments and so many sub departments are available. Just I'm taking an example over there. We have SCL departments is a common, admin, and this one. Same like this. The next session will be on the creating of creating of a cost center hierarchy. जैसा कि अभी ये हुआ, ठीक है, इसी तरीके से same to same हम क्या करेंगे कि we will create a hierarchy. Cost center in a system. That means any posting, जैसे suppose laptop. Laptop Mumbai, any expenses they are occur in admin departments. ठीक है, what about the common department? अगर कोई common department का expenses होगा तो common में book करेंगे. कैसे book होता है? IT department में अगर कोई expenses होगा तो IT में book करेंगे guys. ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं. Hello. सर अंडरस्टूड, ठीक है, बहुत इजी में इस